अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सोनिया कुकिंग एंड व्लॉग। व्यूअर्स, आज हम आपको मुरब्बा बनाना सिखाएंगे। आम का मुरब्बा बहुत ही सिंपल तरीके से होममेड रेसिपी है, प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। और जो जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, जो लोग, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले बनाते हैं आम का मुरब्बा। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आम। ये हमने कच्चे आम ले लिए हैं, इनको हमने काट ली और सॉरी हमने छील लिया है। ये हम आम मुरब्बे में यूज़ करेंगे। ये तकरीबन 14 से 15 दाने हैं आम के, ये हमने ले लिए। इसके बाद हमने ली है चीनी, हम इसमें चीनी डालेंगे। और ये हमने लिया है पानी और ये हमने लिया है सिरका। ये हम चार चीज़ें यूज़ करेंगे आम का मुरब्बा बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है, उसमें हमने डाला है पानी। ये सारा हमने पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ये 2 कप जितनी चीनी हम इसमें डाल देंगे, ताकि अच्छे से हम चाशनी बना लें। ये हमने डाल दिया इसमें चीनी। अब हम इसको चढ़ा देंगे, ये हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे, चूल्हा हमने फुल कर लेना है। इसको हमने अच्छे से पकाना है, चाशनी इसमें की बनानी है हमने। ये दो मिनट में बहुत अच्छा मुरब्बा तैयार हो जाएगा। होममेड रेसिपी है, आप घर में इसे बना सकते हैं और बाहर की निस्बत ये घर में बहुत अच्छा बनता है। हम इसको पका रहे हैं, हमारा पानी गर्म हो रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसको हमने हिला दिया है ताकि चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको हम पानी को तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसमें एक ढक्कन हम सिरका मिला देंगे। हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए इसका पेस्ट जो है, और आम भी थोड़े से गल जाए। हमारी चाशनी हो गई है तैयार, हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं हमारा मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आग को कर देते हैं बंद, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
इसमें हम डालेंगे काजू, ये हमारे पास काजू हैं, इसमें हम डालेंगे काजू, ये हमारे पास है बादाम, और ये हमारे पास है पिस्ता। ये तीनों चीज़ें हम इसमें डालेंगे, वो भी ग्राइंड करके। पहले हम उसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इन सब चीज़ों को हम इकट्ठे कर लेते हैं। इन सबको हमने करना है ग्राइंड। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये बहुत ही अच्छा बन गया है, आपके सामने ये मैंने बनाया है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है। आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें डाल देते हैं बादाम, पिस्ता और काजू। ये हम ऊपर से ये हमने ग्राइंड किया हुआ है बादाम, पिस्ता और काजू, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ये टेस्टी घर में बनता है। प्लीज़ आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई और आपको कैसी लगी, कैसी बनी। प्लीज़ 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 अच्छे से कमेंट्स किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। लाइक करने से मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन होती है। चलें ओके, इसके साथ ही इजाज़त दें मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you.